तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट 13 है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पार्ट वन है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसके जो पार्ट टू का उसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो वगैरह किसी देर के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत अपघट की चालकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो विद्युत अपघट की चालकता है उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताने हैं। दूसरा है ओम का नियम क्या है, तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। फिर है निम्न को समझाइए, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट जो टिप्पणी लिखने के लिए आई जाती है किसी एक पर, तो आप इन सभी को कर लीजिए तो आपका एक ना एक इन्हीं में से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो चौथा है कोलरोस नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो आप कोलरोस नियम कर लीजिए, इसके चांस 8 साल रहते हैं, साथ साथ इसके अनुप्रयोग जरूर कर लीजिए। अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं, अनुप्रयोग अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। कोलरोस नियम के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए, तो आप दोनों अनुप्रयोग का कम से कम दो अनुप्रयोग तो करके जाएँ क्योंकि दो अनुप्रयोग भी आपको 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अनुप्रयोग अकेले ही पूछ लेते हैं, जब उन्हें कि कोलरोस नियम भी पूछे और साथ साथ दोनों कोलरोस नियम भी पूछ लेते हैं और इसके अनुप्रयोग भी पूछ लेते हैं, तो आप दोनों अच्छी तरीके से करके जाएं। फिर है पाँचवा विद्युत अपघटन क्या है, इससे संबंधित फेराडे के नियम लिखे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन क्या है, इससे संबंधित फेराडे के नियम। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, डीएनएल सेल की सहायता से इसकी रचना व कार्यविधि लिखिए। तो रचना भी लिखनी है कार्यविधि भी लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रबल सेतु क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रबल सेतु क्या है, इसके कार्य लिखिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कोई बगैर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है विद्युत रासायनिक और विद्युत अपघटनी शैल में अंतर, तो आपको इसमें से कम 4-5 अंतर याद कर लेने हैं। अगर इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा नवा शुष्क शैल क्या है, इसकी रचना व कार्यविधि समझाइए। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क शैल की रचना को कार्यविधि समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी रचना व कार्यविधि समझाइए। तो मानक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी कार्यविधि समझाइए। तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरनष्ट समीकरण क्या है, जो नरनष्ट समीकरण लिखना है जो पिछले कई सालों में एक साल छोड़ के आता रहता है, तो यह इंपॉर्टेंट है नरनष्ट समीकरण क्या है, इसके अनुप्रयोग भी लिखने हैं। फिर नेक्स्ट विद्युत भाग बल और विभवांतर में अंतर, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत भागल और विभवांतर में अंतर, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। फिर है संचारण क्या है, इसकी क्रियाविधि का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। संचारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण लिखते हुए बचाव को पालेगी। तो इस क्वेश्चन में सभी चीज़ आपको करनी, संचारण क्या है परिभाषा देनी है, पर इसकी क्रियाविधि का जो वैद्युत रासायनिक सिद्धांत है विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखना है, साथ साथ संचारण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको भी लिखना है और इसके बचाव के उपाय भी देने हैं। तो सभी कवर कर लिए गई एक ही क्वेश्चन है। फिर शैल स्तरंग क्या है, इसका प्रयोग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो यह थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। चल तो दोस्तों यह थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको यूनिट 3 के हैं विद्युत जो चैप्टर है विद्युत रसायन। तो इसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।